वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। वो गुड न्यूज़ है 9000+ MBBS सीट्स को लेकर। अब ये कैसी गुड न्यूज़ है और किसको लेकर है, उसके बारे में चर्चा जो है हम आगे की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नीट से रिलेटेड जो भी अर्जेंट अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीट पर तमिलनाडु सरकार द्वारा एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर जारी की गई है और इसको लेकर पूरा डिटेल डिस्कशन एक वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोडेड है। तो उस याचिका का नीट 2020 के एग्ज़ाम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उसको लेकर हमने कंप्लीट चर्चा की है, तो वो वीडियो एक बार आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये अर्जेंट अपडेट क्या है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चेन्नई का ये अपडेट है, क्या बोला गया है कि नए साल की शुरुआत के साथ तमिलनाडु राज्य को 150 MBBS सीटों के साथ 4 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है और जुलाई 2019 तक राज्य में 49 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की जो सीट्स थी वो थी 7150। इनमें से जो 34,000 थी यानी कि 3,400 MBBS सीटें थी वो 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, जबकि 3,750 MBBS सीटें राज्य के 23 निजी मेडिकल संस्थानों में हैं। इन 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ राज्य को MBBS पूल में 9,000+ लेने वाले 600 और MBBS सीटें मिलेगी। उसी के साथ जो TNI की हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति यानी कि TIC ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में तमिलनाडु के 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों GMC के लिए अपनी मंजूरी जो है वो दे दी है। ये 4 मेडिकल कॉलेज जो है वो अरियालूर, कुडालोर, कलाकुरुची और कांचीपुरम जिलों के नए कॉलेजों में कार्यकारी समिति की स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक में 150 MBBS सीटें होगी, यानी कि 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 600 MBBS की सीटें जो है वो आपको मिलेगी। इसी के साथ राज्य में GMCS की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी और तमिलनाडु में देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है वो सबसे ही अधिक है। हाल ही में तमिलनाडु के 2 मेडिकल कॉलेजों ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा MD ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इम्यूनोमेटोलॉजी के 5 सीटों के साथ PG मेडिकल कोर्स की पेशकश के लिए मंजूरी दे दी है और मदुरै मेडिकल कॉलेज में 2 और तिरुनेलवेली के लिए 3 को मंजूरी दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय ये चिकित्सा संस्थान अगले शैक्षणिक वर्ष 2020 से पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जो 4 नए मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु में बनने वाले उनको मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल गई है और इन 4 मेडिकल कॉलेजेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में प्रत्येक में 150 सीट यानी कि 4 में टोटल आपको 600 MBBS सीट्स जो है वो मिलेगी और तमिलनाडु में इसी के साथ 9000+ सीट्स जो है वो आपको नीट 2020 में मिलने वाली है। तो ये एक गुड न्यूज़ थी और अर्जेंट अपडेट था आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, चैनल पर जाकर वो वीडियो आप जरूर देखें जो तमिलनाडु सरकार ने नीट पर याचिका लगाई है, तो वो वीडियो आपके सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देखें, वरना मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा तो उस लिंक पर जाकर भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।